YouTube वाली दुकान पर वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज मैं इसमें मैं आपको बताऊंगा इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों इंश्योरेंस एक जो कि बहुत ज़रूरी पार्ट होता है अपनी गाड़ी में, और कंपनी से ही हम लोग को इंश्योरेंस पहले से ही मिलता है, यानी शोरूम वाले इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं। और दोस्तों ये अपनी ग्रैंड विटारा है, और इसमें मुझे इंश्योरेंस के लिए काफ़ी कुछ बताया गया। और इसमें दोस्तों सिस्टम ये है कि कंपनी के थ्रू ही आपको मिलता है इंश्योरेंस, जो कि मारुति खुद प्रोवाइड करवाती है, और ये मैंने उसी से लिया हुआ है दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो का पर्पज़ ये नहीं है कि इसमें मारुति प्रोवाइड करवाती है क्या है, कैसे क्या है। दोस्तों मेरा कहना ये है कि इंश्योरेंस होता क्या है, आखिर इंश्योरेंस ज़रूरी क्यों है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो हम नॉर्मल जैसे लोग इंश्योरेंस का कोई फ़ायदा खास तो ले नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है, गवर्नमेंट ने इसको कंपल्सरी कर दिया है। तो बात करते हैं दोस्तों इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक अपना कंप्रिहेंसिव होता है जो कि फर्स्ट पार्टी होता है, फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी दोनों इसमें होते हैं, और दूसरा होता है थर्ड पार्टी। दोस्तों थर्ड पार्टी का मतलब यह है कि गाड़ी अगर मैं चला रहा हूँ, गाड़ी अगर मेरा एक्सीडेंट होता है, और मेरी गाड़ी से अगर जब एक्सीडेंट हो रहा होता है तो जो सामने वाले को नुकसान होता है, अपनी गाड़ी का नहीं, किसी सामने वाले का अगर नुकसान होता है, अगर उस आदमी का हाथ पैर टूट गया, फिर उस आदमी की जान चली गई, तो उस केस में क्या होता है, उसको थर्ड पार्टी का पूरा क्लेम मिल जाता है। और ये क्लेम लगभग 15 लाख तक का होता है, वो क्लेम करेगा और हमारे इंश्योरेंस के थ्रू उसको वो क्लेम मिल जाएगा। ये दोस्तों क्या अपने थर्ड पार्टी का। और हाँ, थर्ड पार्टी में हमें कुछ नहीं होने मिलने वाला, गाड़ी हमारी डेथ हो जाए, गाड़ी का नुकसान हो जाए, इसमें दोस्तों कोई भी क्लेम नहीं मिलता है। और रहेगी बात फर्स्ट पार्टी का, तो दोस्तों फर्स्ट पार्टी में बहुत सारा सीन है। इसमें क्या है कि इसमें हम लोगों का भी इंश्योरेंस होता है, यानी कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ मेरा और मेरी गाड़ी का, और अगर सामने अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लो किसी की जान चली गई या फिर किसी का कुछ नुकसान हो गया अपनी गाड़ी से, तो उसका भी इंश्योरेंस उसमें क्लेम हो जाता है, यानी कि उसको मिल जाता है। दोस्तों ये होता है अपना कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस, यानी कि फर्स्ट पार्टी। और दोस्तों इसमें कई सारे फीचर होते हैं, इसमें जीरो डेप होता है, बम्पर टू बम्पर क्लेम मिलता है, इंजन प्रोटेक्शन होता है, और दोस्तों आपको इसी में मिल जाता है असिस्टेंट रोड साइड। मान लीजिए अगर आप कहीं पे गाड़ी लेके जा रहे हो, गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई, एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी साइड में खड़ी हो गई, आप बचे हुए हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये खुद प्रोवाइड कराते हैं बंदे, वो आ जाएंगे आपको, आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर पे पहुंचाएंगे और आपको सुरक्षित आपके घर पे पहुंचाएंगे। एक इसमें आप वो ऐड ऑन करा सकते हो, इंजन का प्रोटेक्शन भी ऐड ऑन करा सकते हो। मान लीजिए इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गई, मान लीजिए गलती से पानी वानी चला गया, इंजन ब्लॉक हो गया, तो उसमें भी वो भी आप इंश्योरेंस में क्लेम करवा सकते हो दोस्तों। और इसमें दोस्तों इंश्योरेंस जो हमने इस गाड़ी के लिया है उसमें 3 साल का मिलता है। 3 साल का मतलब अपना 1 साल का फुल इंश्योरेंस, यानी कि फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी दोनों, और 2 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है, यानी अपनी गाड़ी पूरी तरह से जो प्रोटेक्टेड होती है वो सिर्फ 1 साल के लिए होती है, और दोनों सालों के लिए अपना थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी मैंने आपको बताया क्या क्या मिलता है आपको। हाँ, अगर आप इंश्योरेंस को रिन्यूअल करवाते हैं तो आपको वो कुछ सस्ता पड़ेगा, और आपकी गाड़ी दूसरे साल भी फुल हो जाएगी, इसमें आपको कुछ पेमेंट भरनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन दोस्तों एक अपना स्टार का मार्क है, यानी कि एक कंडीशन है, अगर आप पहले वाले साल में कोई भी क्लेम नहीं ले रहे हो तब आपको नो क्लेम बोनस होता है, नो क्लेम बोनस का पैसा माइनस होता है, जिससे आपको थर्ड पार्टी में थोड़े पैसे दे के अपना इंश्योरेंस फुल करवा लेते हैं आप। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों इंश्योरेंस में। दोस्तों काफ़ी कुछ झोल होता है, झोल मतलब ये झोल तो नहीं कह सकते, झोल ये है कि मैक्सिमम मैंने देखा है, जिस तरह जिस एरिया में हम लोग रहते हैं या फिर हम लोग जहाँ पर होते हैं, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में सामने वाले का डैमेज हुआ, तो मैक्सिमम दोस्तों हम लोग रहते हैं गाँव में, तो वो हमको पकड़ लेंगे, या तो गाड़ी का नुकसान करेंगे या तो पीट देंगे ड्राइवर को, नहीं तो मैक्सिमम दोस्तों क्लेम कोई वैसे ले नहीं पाता है, क्लेम कोई नहीं ले पाता, क्योंकि यहाँ पे जानकारी उतनी नहीं है ना, तो इंश्योरेंस वाला उनको इतना गाइड ही करता है कि भाई हाँ आपको क्लेम मिलेगा, आप गाड़ी को मतलब कि इंश्योरेंस क्लेम कर दो, उसमें कोई लेता नहीं दोस्तों, तो वो कंपनियों का पूरा पूरा बच जाता है। और रही बात मेरी गाड़ी का, मैंने आपको बताया था कि अपनी गाड़ी में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें फेंटर फट गया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो मैंने दोस्तों इसलिए बात की, ये देखिए ये रहा, इसमें मैंने कुछ जुगाड़ लगाया हुआ है, इसके लिए मैंने बात दोस्तों बस इतना ही है, और पूरी गाड़ी में कोई भी कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इतना ही है। इसके लिए मैंने जब बात की उनसे तो उन्होंने बताया कि सर गाड़ी सबमिट कर दो, गाड़ी सबमिट करने के बाद 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक लग सकते हैं, वो आएगा सर्वे वाला उसको सर्वे करेगा, रिपोर्ट बना के भेजेगा कंपनी को, तब जाके जैसे जैसे भी होगा आपका प्रोसेस 15 से 20 दिन में चला जाएगा। तो दोस्तों एक्चुअली क्या, जो मैं गाड़ी ये ले रखी है मैंने, ये गाड़ी मैं वहाँ पे नहीं खड़ी कर सकता, क्योंकि
गाड़ी का मुझे काम काफ़ी रहता है और गाड़ी मेरी चलती है, मैं गाड़ी को थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ, तो इसके लिए मैं वहाँ पे खड़ी नहीं कर पाया, तो मैंने जुगाड़ से अपना काम करवा लिया। और जब मैंने इसके बारे में पता किया नो क्लेम बोनस के बारे में, तो उन्होंने बोला अगर आप फुल इंश्योरेंस में गाड़ी को एक बार क्लेम करो, अगर चाहे छोटा क्लेम हो या बड़ा क्लेम हो, अगर आप ले लेते हो तो दूसरे साल भी आपको फुल इंश्योरेंस ही करवाना पड़ेगा, यानी कि वो फुल इंश्योरेंस का पूरा पैसा आपसे चार्ज करने वाले हैं, चाहे आप छोटा डैमेज रिपेयर करवा लो क्लेम में ले लो, चाहे बड़ा डैमेज क्लेम में ले लो, या फिर कोई एक एक्सीडेंट दूसरे का हो गया उसका नुकसान आपने, यानी किसी भी तरह का अगर आपने क्लेम लिया तो आपको नो क्लेम बोनस हट जाएगा, दूसरी साल आपको गाड़ी का फुल इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। क्योंकि गाड़ी दोस्तों एज इट इज नहीं है, आप तो जानते हैं गाड़ी अपनी नहीं है, तो कोई भी आदमी डरा रहेगा तो वो गाड़ी का फुल इंश्योरेंस ही करवाएगा। लेकिन दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं कंपनियाँ इंश्योरेंस तो फटाक से कर देती है, यानी इंश्योरेंस करने में आपका बहुत समय जाएगा, आधे घंटे या फिर 10 मिनट भी कभी कभी मैंने देखा हुआ हो जाता है, इंश्योरेंस करने में 10 मिनट, यानी कि 35 से 36 हज़ार रुपये लेने में 10 मिनट लगते हैं, उनको क्लेम देने के लिए वो 10 दिन सर, 15 दिन सर, 20 दिन सर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, इंश्योरेंस जो बनाया गया है हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया है। गाड़ी हम महंगी खरीदते हैं, कोई डैमेज होगा तो कम पैसे में बन जाएगा, सामने वाले कोई इम्पैक्ट होगा उसको क्लेम मिल जाएगा, थोड़ी बहुत सपोर्ट तो हो ही जानी है दोस्तों। लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, उसके लिए कुछ जल्दी, यानी कि आप जल्दी उसका कुछ निवारण करो ताकि गाड़ी अपनी सेट हो जाए, जो चीज़ें प्रॉब्लम में हैं वो सही हो जाएँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अब यही देख लीजिए, एक मोटा सा पेपर उन्होंने पकड़ा दिया है जिसका बिल उन्होंने बनाया था अपना, ऐसा है कि ये रहा 34,983 रुपये का बिल बना दिया, और इसमें देखिए क्लेम नहीं लिखा हुआ मेरे को, मैंने सोचा छोटा सा क्लेम है, गाड़ी 15 दिन 20 दिन कौन खड़ी करेगा, तो उतना तो टाइम है नहीं दोस्तों। बेसिकली सबके साथ ही ऐसा होता है, सब लोग ऐसा ही करते हैं, कोई जल्दी क्लेम नहीं ले पाता, एक बड़ा इम्पैक्ट है, गाड़ी नहीं चल पाएगी, तब आदमी क्लेम ही डाल देता है। पहले क्या होता था कि आप गाड़ी रिपेयर करवा लो, रिपोर्ट डाल दो, आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, गाड़ी को जमा करो तब जाके प्रोसेस आगे होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं इंश्योरेंस और क्लेम को लेकर, मैंने आपको इसमें सारा चीज़ें बताने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।